अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में स्टाफ का अमानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया है। यहाँ टीबी वार्ड में मरीज को हाथ पैर बांध कर बेड के नीचे डाल दिया गया। 7 घंटे तक वह वहाँ पड़ा रहा, लेकिन स्टाफ ने सुध नहीं ली और अंततः बेसहारा मरीज ने दम तोड़ दिया। मरने वाला मर चुका था और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अपना गला बचाते हुए आउटसोर्सिंग पर रखे गए वार्ड बॉय अरुण और सिद्धार्थ के सेवाएं समाप्त करते हुए वार्ड में संबंधित सभी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मेडिकल कॉलेज का यह पहला मामला नहीं है जो सामने आया है, वरना अमूमन ऐसा है मरीजों के साथ जो व्यवहार यहाँ स्टाफ द्वारा होता है वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए पहले दिखाते हैं मेडिकल कॉलेज के वार्ड का दृश्य। इसमें मरीज बेड के नीचे मरा हुआ पड़ा है। उसके दोनों हाथ इस तरह से बांधे गए हैं कि वह अपने हाथों को छुड़ा न सके। वह निर्दय स्टाफ के चलते अपने हाथ तो नहीं छुड़ा पाया, लेकिन शरीर को आत्मा ने जरूर छोड़ दिया। इस बारे में प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने यह जानकारी दी। उसको कुछ मेडिकल परेशानी थी और कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, थोड़ा इरिटेबल पेशेंट था वो, तो उसमें जो है उसकी डेथ हो गई थी सुबह। और उसमें जो है जो मुझे पता चला कि उसमें जो है बाद में कि उसमें जो है डिस्चार्ज करके उसको मार्सिडिक पहुँचाने में थोड़ा देर विलम्ब हुआ, और उस विलम्ब को मैंने संज्ञान में लेते हुए वहाँ के जो दो वार्ड बॉय थे उनको हमने जो है वो नौकरी से निकाल दिया है, और वहाँ पे जो 4 स्टाफ नर्स थी उन सब का हमने एक दिन का वेतन काटा है, और जो वहाँ के जो सिस्टर इंचार्ज हैं उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है। और ये जो है इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है, और उनका जो है जो भी आगे उसमें, और डॉक्टर SIC साहब से भी हमने कहा हुआ है कि इसमें और कोई अगर कोई कार्यवाही वो संस्तुत करते हैं या और कोई एक्शन संस्तुत करते हैं तो वो भी एक्शन लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को किसी भी तरह से हम लोग मरीजों के हित में या मरीजों के उसमें टॉलरेट नहीं कर सकते। उसका कंडीशन या समस्या या एक्सप्लेनेशन का कुछ भी हो, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें प्रथम दृष्टया उनको दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।